हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है भोला आर्टिस्ट, और जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को पहचानने वाले, जो नए से पुराने हैं, मैं सभी लोग को एक समान इज्जत प्यार देता हूँ। और लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ कि फिल्मों में कौन कौन सी आवाज़ लगाई जाती है, कहाँ कहाँ पर, और आप लोग बीच में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बीच में पहला आवाज़ निकालने जा रहा हूँ कि कोई विलन किसी को मारने की सुपारी दिया जाता है, तो देखिए वो विलन फ़ोन करता है उस सुपारी के पास, उसकी मोबाइल की घंटी किस तरह जा रही है आप लोग बीच में मैं निकालने जा रहा हूँ इस तरह से। दोस्तों, एक मूवी निकला था तूफान मूवी में, मैं बताना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी का, वो जो बोलते हैं कि जब तूफान जब आते समय जब इतना तेज हवा जो चलता है, दरवाज़ा खुल जाते हैं, मतलब ढेर सारे धूल मिट्टियाँ उड़ने भी लग जाते हैं, ढेर सारे पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, वो तूफान नहीं रहता है, वो एक पंखे के द्वारा किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो तूफान चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप लोग बीच में बताने जा रहा हूँ कि मैं तूफान की आवाज़ जब चलता है तो मैं अपने गले के माध्यम से निकालना चाहता हूँ कि तूफान की आवाज़ कैसे होती है, और आप लोग बीच में सुना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं सुनाने जा रहा हूँ तूफान की आवाज़। तो दोस्तों, आप लोग बीच में कैसा लगा मैंने तूफान की आवाज़ निकाला। दोस्तों, आप लोग ने देखते हैं कि जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर कोई एक्टर का बंगला हो, उस फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई अगर उस बंगले को कोई गिरवी रख देता है, किसी कोई खरीद लेता है, तो वो अगर मान लीजिए 40 साल 50 साल पुराना अगर हो जाता है, फिर वही लोग एक्टर अगर जाते हैं, उसको दरवाजे जब खोलते हैं, उसमें जब जंग लगा रहता है, तो उसको खोलते तो उसकी दरवाजे का आवाज़ कैसे आता है आप लोग बीच में निकालना चाहता हूँ। दरवाजे किस तरह से खुलते हैं, इस तरह से। दोस्तों, और आप लोग बीच में निकालना चाहता हूँ कि जब फिल्मों में जब सूर्य जब अस्त होता है, तो उस वक्त पक्षियाँ जो होती हैं अपने अपने जगहों पे जाती हैं, पेड़ पे बैठती हैं, तो वो दोस्तों आप लोग बीच में निकालना चाहता हूँ पक्षियों की आवाज़ अपने इस गले के माध्यम से। देखिए, ये था पक्षियों के बाद एक मूवी मैंने देखा था हम साथ साथ हैं। दोस्तों, उसमें मोर की भी आवाज़ निकाला गया था, उस वक्त मैं मोर की आवाज़ आप लोग बीच में सुनाने जा रहा हूँ कि मोर कैसे बोलता है फिल्मों में। और एक मूवी का जो था बेटा, उस वक्त एक गाना था कोयल की तेरी बोली, तो पहले कोयल की बोलने के बाद फिर उस गाना स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग बीच में दोस्तों, मैं कोयल के बाद सुनाने जा रहा हूँ कोयल। तो गाइस, आप लोग बीच में मैंने इस पक्षियों की आवाज़ मैंने निकाला। ये देखिए, मेरी पक्षी की आवाज़ सुनकर यहाँ कुछ पक्षियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखिए, दोस्तों आप लोग भी गौर कर सकते हैं कि मैं जैसे पक्षी की मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ कोई छोटे बच्चे का, तो वो उसकी माँ दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है,
और ये देखिए आवाज़ देख रहे हैं दोस्तों। तो आइए मैं आप लोग बीच में आवाज़ निकालने जा रहा हूँ दोस्तों, वीन सफेरे की। दोस्तों अगर मान लीजिए कि नागिन मूवी मैंने देखा था उस वक्त की, जो सफेरे जो होते हैं, जो नागिन अगर बनी रहती जब कहीं बिल उल में घुसी रहती है, तो उस वक्त लोग बीन बजाकर लोग निकालते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा अपने गले के माध्यम से मैं निकालना चाहता हूँ बीन की आवाज़, सब जिसको बोलते हैं सफेरा, उसकी आवाज़ में निकालना चाह रहा हूँ। दोस्तों जैसे बीन बजने के बाद उसके बाद सर्फ आता था, उसकी आवाज आती है। इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आवाजें, और आप लोग बीच में ले चलता हूँ फिल्मों के जो कुछ परिवहन की आवाज होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ने देखा होगा कि फिल्मों में कि जब शाहरुख खान जी जब ट्रेन के पास दौड़ते जाते हैं, तो उस वक्त ट्रेन की आवाज़ चलती है, उसकी आवाज़ मैं निकालना चाहता हूँ। कुछ कुछ होता है उस वक्त का जो मूवी जो सीन जो चल रहा था, जब काजल जब जा रही थी तो उस समय ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और शाहरुख खान भागते हुए जा रहे हैं। अंजलि अंजलि रुक जाओ अंजलि, हे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अंजलि अंजलि मेरी बात तो मानो। हाँ ट्रेन जाती है, अगर तुमको जाना है तो इंजाम देने के बाद चले जाओ, मैं तुमको नहीं रोक सकता अंजलि। है अगर तुम चली जाओगी तो मैं किसके साथ बास्केटबॉल खेल लूँगा। हाँ दोस्तों इस तरह से। और आप लोग बीच में मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो मैंने टैलेंट मैंने जो देखा है ट्रेन की आवाज़ हर तरह तरह की आवाज़ में आप लोग बीच में बारी बारी सुनाना जा रहा हूँ और ये अगला आवाज़ में निकाल जा रहा हूँ दोस्तों की। मान लीजिए हमारे अमिताभ बच्चन जी हुए, धर्मेंद्र जी, तमाम एक्टर लोगों को अगर जाना है लंदन की शूटिंग करने के लिए, तो उस वक्त देखिए एरोप्लेन खड़ी रहती है, उस समय जब जाने की जब तैयारी करती है, देखिए किस तरह से राउंड लगा रही है, देखिए उसकी आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से बादल में जब जाती है, जब उसके बाद जब नीचे उतरती है तो उसकी आवाज़ आती है। दोस्तों बहुत सांस लेनी पड़ती है इस आवाज़ निकालने के लिए, किस तरह से चढ़ाना किस तरह उतारना। दोस्तों अगर प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर से आप लोग बीच में लेके आऊँगा फिल्मों की तरह की आवाज़, जानवरों की आवाज़ में।
तब तक इसी जगह से मैं अपनी आवाज़ को धन्यवाद देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइए किस चीज़ की आवाज़ चाहिए दोस्तों, और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम है भोला आर्टिस्ट, धन्यवाद।